अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। आपको पता है इस चैनल पे मैं रिव्यूज़ जो है वो शेयर करती रहती हूँ, मेकअप से रिलेटेड भी होते हैं, शॉपिंग हॉल भी होते हैं। तो ये जो आप लोग गिफ्ट देख रहे हैं, ये मैंने जी अपनी भतीजी को दिया है अरिहा के लिए। मैंने ये जो है प्रैम ली थी, तो मैंने कहा इससे पहले कि मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछे कितने की ली है, इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कहाँ से लिया, तो मैंने कहा इसकी डिटेल वीडियो बना देती हूँ, जो मॉमीज़ टू बी हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। और प्रैम अगर आप खैर से मतलब आपके बेबी आने वाला है तो प्रैम लाजमी लें, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और सारे बच्चे जो है फिर ये यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने वो ली है जिसकी यहाँ ट्रे है और ट्रे के अंदर दो कप रखने की भी जगह है, ठीक हो गया। और साथ में इसके जो है ये सारी बेल्ट लगी हुई है, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये इस तरह की जो है वो बेल्ट लगी हुई है। और ये जो सारी प्रैम है ना, ये वॉशेबल है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो इसके ऊपर वाला हुड है ना, वो इस तरह जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। इरहा का जो हुड है ना वो इतना ज़्यादा नहीं आता था, थोड़ा आता था, लेकिन ये हुड जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और साथ में जो है इसके वो अंदर जो है नेट लगी हुई, इरहा का जो है वो प्लास्टिक लगा हुआ था, लेकिन यहाँ जो है वो सारी इस तरह नेट लगी हुई ताकि आप बेबी को आराम से जो है वो सुकून से देख सकें। मैं फिर कहूँगी कि अगर आपका बेबी आने वाला है तो प्रैम लाजमी लें, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बच्चा जो है आप आसानी से जो है कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो है पीछे एक जिप भी है, मतलब ये उतर के आपने वॉश करना हो वॉश भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, ये हो गया। और उसके बाद जी इसका जो सबसे अच्छा फीचर है ना, वो अभी मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। और मैंने इनकी ना ये, अच्छा मैं आपको बता दूँ ये मैंने ली कहाँ से है, तो ये मैंने ली है चेज़ वैल्यू से। और इसकी प्राइस क्या है, तो इसकी प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 11,600 रुपये, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना पाँव रखने वाला, ये ऊपर भी हो जाता है और ये इस तरह जो है वो नीचे भी हो जाता है, सॉलिड प्लास्टिक की बनी हुई, मतलब बॉडी इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत है। जो मैंने पहले ली थी ना वो थी तकरीबन 9,000 की, लेकिन उसका मटेरियल जो है वो अच्छा नहीं था। और जो अभी इरहा हिला रही थी तो वो है इसके स्ट्रैप, मतलब आप हाथ में डाल के जो है वो प्रैम को जो है वो चला सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद आप ये जो इसकी सीट है ये ऊपर भी उठ जाती है और नीचे भी हो जाती है। और ये वाले मैं आप लोगों को फीचर की बात कर रही थी कि इसका जो हैंडल है, मतलब हम प्रैम को तो पीछे से धक्का देते हैं ना, तो आप इस प्रैम को अपनी साइड पे, इसका जो हैंडल है वो अपनी साइड पे भी कर सकते हैं और बच्चे को जी सामने से देख के जो है वो कर सकते हैं। मतलब सर्दी होती है और बच्चा बहुत छोटा होता है और उसको होता है कि माँ मुझे नज़र आती रहे, और जब वो जाग रहा होता है इधर उधर देख रहा होता है, तो ये फीचर है इसका कि आप इसका जो हैंडल है वो आगे कर लें और बच्चा बिल्कुल आपके सामने हो जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, बच्चा जो है वो डरेगा भी नहीं और ना बोर होगा। और तो ये वाला इसका जो फीचर था ना, फिर मैंने कहा बस मैंने लेनी है तो यही लेनी है, बेशक महंगी है जो भी है यही लेनी है, क्योंकि भाई हमारी भतीजी के लिए हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए। और चेज़ वैल्यू पे काफ़ी मतलब रेंज में आपको मिल जाएंगी, 7,000 की रेंज में, 8,000, 9,000, 10,000, इवन के 5,000 की रेंज में भी आपको प्रैम जो है वो मिल जाएगी, मतलब छोटी होगी साइज़ में लेकिन मिल जाती है। तो आप लोग अगर लेना चाहें तो आप लोग चेज़ वैल्यू से जो है वो जाके ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये है जी प्रैम की ओवरऑल लुक। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो सीट है ना, ये जो लेटी हुई है, ये आप ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी लिटा सकते हैं। ये देखें ये जो स्ट्रैप है ना, इससे आप जो है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और बहुत इजी है कैरी करने के लिए, मतलब बिल्कुल भी इसका वेट नहीं है। और ये जो बंद भी होती है ना, तो खड़ी होकर बंद होती है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटा सा रिव्यू मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। अगर इस तरह के और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सब मॉमीज़ टू बी को पता चल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।